आतिशी जी के सत्याग्रह में क्यों आए हैं? वो मेरी बेटी जैसी हैं और कोई पिता ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके बच्चे ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? जब सारे देश को मालूम है, सारे विश्व को मालूम है कि वो सत्याग्रह पे हैं। इसलिए सत्याग्रह है क्योंकि 31 लाख लोगों का पानी एक तानाशाह ने बंद कर दिया। सारे देश की जनता ये देख रही है कि चारों तरफ जब पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसका सोल्यूशन निकालना केंद्रीय सरकार का धर्म था। राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलना चाहिए। पहली बार एक जल मंत्री जल के लिए सत्याग्रह पे है। कोई पिता कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी खाना खाना छोड़। पानी की लड़ाई बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली वालों को इस तरह से मत सोचिए कि हम घर बैठ जाएंगे। तक भाजपा की हरियाणा सरकार ने दिल्ली का पानी छोड़ा नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि इस समय राजनीति का समय नहीं है। आप दिल्ली वालों की समस्याओं को समझें। जल ही जीवन है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। आज दिल्ली वालों के पास जल नहीं है, जिसके लिए आतिशी मैम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कम से कम उनको ये गंदी राजनीति अभी गर्मियों के लिए छोड़ देनी चाहिए। और आपको भी पता है, जैसे ही गर्मियां खत्म हो जाती हैं, पानी का एक समस्या भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। लेकिन इस समय जो अति समस्या चल रही है, ना तो हमारे साथ सांसद सुनने को तैयार है, ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए संज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। ये बहुत गंदी राजनीति चल रही है इस समय। और आतिशी मैम को अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी गर्मी में वो यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए बैठी हुई हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जब से ये 7 सांसद जीते हैं, जब से उसी टाइम से ही पानी बंद कर दिया। दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है कि अभी दिल्ली की जनता आज जो परेशान हो रही है, पानी के लिए बूंद बूंद के लिए परेशान हो रही है, और पीछे से पानी रुकवा दिया गया है। गली गली में, घर घर में आज यही हो रहा है कि षड्यंत्र हो रहा है। हर गली में, हर घर में ये सबको मालूम पड़ गया कि जब से ये जीत के आए सांसद, जब से पानी बंद कर दिया है, जनता जो है बिल्कुल समझ चुकी है कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और हम आतिशी जी के साथ हैं। जनता दिल्ली की समझ गई है कि आतिशी जो है उनके हक के लिए लड़ रही हैं और बीजेपी इनके साथ राजनीति कर रही है। धन्यवाद करते हैं कि आज दिल्ली की जनता के लिए वो अनशन पे बैठी हैं और दिल्ली की हक के लिए लड़ रही हैं। हम उनके साथ हैं। आतिशी जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं।